तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो हमारा 10 रुपीज़ वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आपको 40 रुपये मिलते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट में चढ़ेंगे फ्रेंड्स पर आपको 40 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 40 रुपीज़ लिखा भी हमारा। तो फ्रेंड्स इससे आप अपने रिडीम करते समय आप 40 रुपीज़ अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जीके का टैग, इसको हमें साफ़ करना होगा और खुरचना होगा फ्रेंड्स, ताकि जो इसका स्कैनर है इजीली वो दिख जाए फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको साफ़ कर लेते हैं पहले अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्कैनर है यहाँ पे कोई नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा जेके का टैग देख रहे होगे आप, यहाँ पे फ्रेंड्स ये देख सकते हैं दोनों टोकन डिफरेंट है। तो हमें फ्रेंड्स इसमें ये वाली लाइन खुरचनी है और इसमें ये जेके का खुरचना है। तो फ्रेंड्स जल्दी से हम देख लेते हैं दोनों में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमें पहले इसे साफ़ करना होगा ये वाली लाइन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहले जो था वो पिन हमें दिखता था और स्कैनर में हमारा कोई भी नहीं था। अब जो नया अपडेट आया फ्रेंड्स वो बस स्कैन होता है फ्रेंड्स, सीधा हमें स्कैन करना होता है अपने QR कोड को। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से साफ कर लेना, नहीं तो फ्रेंड्स ये जो है आपका स्कैन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारे स्कैनर है वो अच्छे से दिखने लगा है। तो हमें फ्रेंड्स इसको सबको ऐसे ही अपना साफ़ कर लेना है, बार कोड और QR कोड हमें अच्छे से दिख जाना चाहिए फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप हमारा जो QR कोड है वो अच्छे से दिखने लगा है। तो अब हमें इसी को स्कैन करना है अपने ऐप से, जो भी हमारा अब ऐप है उससे रजिस्टर नंबर होना चाहिए फ्रेंड्स। जो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसी नंबर से जो आपका नंबर कंपनी में है फ्रेंड्स उसी से आपको स्कैन करना है उसी नंबर से और उसी फ़ोन से जिसमें आपका वो जेके का जो ऐप है उसी से हमें स्कैन करना है। तो चलिए ऐप को खोलते हैं और स्कैन करते हैं हम इस टोकन को। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे स्कैनर था वो प्रॉपरली दिखने लगा है। अब जो हमने ये पुट्टी जेके पुट्टी जो लिखी थी फ्रेंड्स वो हमने साफ़ कर ली और खुरच लिया फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हर में हम टोकन में हमने साफ़ कर लिया। तो अब हम चलते हैं स्कैन करने। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपना ऐप खोलना है, तो हम ऐप को खोल लेते हैं जल्दी से अपना। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा हमारा जो ऐप है यहाँ पे जेके ऊपर उसे हमें ओपन करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा ऐप है वो ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते होंगे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर टोकन लिखा हुआ है, तो हमें उस पर क्लिक करना है और अपने सारे टोकन्स को स्कैन कर लेना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा स्कैनर है वो ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम करने वाले अपने रजिस्टर करने वाले हम सारे जो टोकन्स हैं उसको। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हमें इस पर प्रॉपरली अच्छे से स्कैन करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फास्टली स्कैन हो चुका है और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो 40 रुपीज़ हैं वो हमारे अकाउंट में चले गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे गो होम, अगर आपके पास एक टोकन है तो फ्रेंड्स गो होम पे क्लिक करना है, अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो स्कैन अगेन पे करना है। तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स, जल्दी से हम इसको स्कैन कर लेते हैं सारे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भी हमारा स्कैन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस ये जो था हमारा टोकन 30 रुपीज़ का था, तो हमें 30 रुपीज़ मिले इस पर। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हमारा सीम्स इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई, प्लीज कॉल एट द कॉल सेंटर। तो फ्रेंड्स इसे इस टोकन को हमें कैश कराने के लिए हमें पहले हमें कंपनी में बात करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो फ्रेंड्स इसको रख देते हैं हम साइड में। तो फ्रेंड्स ये 40 रुपीज़ आ गए हमारे अकाउंट में, तो अब हम सारे कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि आपको कैसे रिडीम करना है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फास्टली स्कैन होता जा रहा है फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि इसकी जो स्पीड है काफ़ी अच्छी है इस ऐप की। और ऐप्स में फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें हमें 50 रुपीज़ मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये 50 रुपीज़ का लकी टोकन था, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 50 रुपीज़ का हमारा लकी टोकन है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 50 रुपीज़ का हमारा लकी टोकन देखने को हमें मिल जाता है और हमारे 50 रुपीज़ अकाउंट में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो सारे टोकन हैं वो स्कैन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे गो होम, यहाँ पे लिखा है गो टू होम, तो होम पे चलते हैं फ्रेंड्स अब हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कोपल टोटल जो अर्निंग है वो कितनी है, यहाँ पे माई ऑर्डर्स भी देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपने कुछ गिफ्ट ऑर्डर किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा पॉइंट कितने हो गए हैं, पॉइंट टू कैश करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अब ये डायरेक्ट अपने आप ही हमारा जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हो जा रहा है, हमें रिडीम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कैश टू हिस्ट्री, कैश हिस्ट्री में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 2 जुलाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स हमने कितने सारे टोकन स्कैन किए हैं वो हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, सारी हिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं हम कहां से अपना जो रिडीम है वो देख सकते हैं, कैश टू पॉइंट, तो माई अर्निंग पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पे हमें 500 रुपये बने हुए हैं फ्रेंड्स, आपको इसमें रिडीम नहीं करना बिल्कुल, अपने आप ही डायरेक्ट ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई इसमें अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको अलग से रिडीम करना है, सीधा ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगर आपका अकाउंट इससे लिंक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को।